बिहार के प्रसिद्ध सूर्य तीर्थों में शुमार भोजपुर जिले का बिलाऊर सूर्य मंदिर जो आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ हर वर्ष लाखों लोग बिहारी हो या प्रवासी छठ व्रती सूर्य को नमन करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ आने वाले सभी व्रतधारियों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बिलाऊर सूर्य मंदिर का निर्माण कहा जाता है कि 1449 ईस्वी में बावन सूबा के जमींदार जो उस समय बावन सूबा के राजा के नाम से जाने जाते थे उनके द्वारा कराया गया था। यह आरा जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध बिलाऊर सूर्य मंदिर पहुंचने के लिए सड़क मार्ग सबसे सुगम है। यह आरा अरवल मुख्य मार्ग पर स्थित है और सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन आरा व उदवंत नगर है। कहा जाता है, गांव के लोग ऐसा बताते हैं कि कालांतर यह मंदिर नष्ट हो गया था, लेकिन ठीक 500 वर्षों बाद आजादी से पूर्व 1946 ईस्वी में इसी जगह पर करवाशिन गांव निवासी संत मौनी बाबा के अथक प्रयास से सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण मकराना के संगमरमर पत्थरों से कराया गया। भगवान सूर्य के अलावा मंदिर में गणेश जी, दुर्गा जी, शंकर जी, विष्णु जी आदि की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यह मनोकामना धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ मनोकामना सिक्का मिलता है जिसे मनोकामना पूर्ण होने के बाद लौटाना होता है। अब तक हजारों लोग मनोकामना सिक्का लौटा चुके हैं। प्रचलित कहानियों के अनुसार पोखरा निर्माण के समय गहरी खुदाई के बाद भी पानी नहीं निकलने पर बावन सूबों के राजा के आदेश पर एक बच्चे को बलि देने के लिए लाया गया। बच्चे ने बलि नहीं देने का आग्रह किया तथा खुद फावड़ा उठाकर ज्यों ही चलाया तालाब से पानी निकलने लगा। बिहार सरकार ने इस बिलाऊर सूर्य मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है। मंदिर के विकास के लिए करीब 9 करोड़ रुपए की राशि आवंटन के बाद 2 वर्ष से कही जारी है। सूर्य मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा 24 कमरे का धर्मशाला बना है जो छठ की भीड़ के सामने बहुत छोटा पड़ जाता है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है, लेकिन मंदिर कमेटी और गांव के द्वारा जो भी हो सकता है वह उससे अधिक करते हैं। चैती छठ, कार्तिक छठ और जीवित पुत्रिका व्रत के समय यहाँ हजारों और लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। चैती छठ और कार्तिक छठ में हजारों की संख्या में बिहारी व प्रवासी छठव्रती यहाँ पर छठ करने के लिए पहुँचते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ पर लोग छठ करने के लिए आते हैं और यहाँ आने वाले सभी व्रतधारियों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छठ के दूसरे अर्घ के दिन सिक्का बांटा जाता है, जो सिक्का मनोकामना पूर्ण होने के बाद वापस किया जाता है। मंदिर के मुख्य दरवाजे पर भी आप कई तरह के सिक्के को देख सकते हैं, जहां चांदी के सिक्के से लेकर सोने के सिक्के तक लोग चढ़ाते हैं। बिलाऊर के सूर्य मंदिर की अलग विशेषता भी है। अमूमन हर जगह सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार पूरब की ओर देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर स्थापित है। विशालकाय भैरवानंद तालाब के बीचों बीच भगवान भास्कर का मंदिर बना है जो अन्य मंदिरों से अलग महत्व रखता है। लोग कहते हैं कि बिलाऊर में जब अकाल की स्थिति बनी थी तो कुओं व तालाबों से पानी नहीं निकल रहा था, तब जाटा बाबा नाम के ब्राह्मण बालक ने कुदाल से भैरवानंद तालाब में मिट्टी खोदनी शुरू की तो तेज वर्षा हुई और नगरवासियों को अकाल से छुटकारा मिला। तब से जाटा बाबा उसी भैरवानंद तालाब के पास रहने लगे थे और उसी जगह समाधि ले ली थी। मौनी बाबा ने सूर्य मंदिर निर्माण के साथ जाटा बाबा का मंदिर भी बनवाया था और इनका मंदिर सूर्य मंदिर से 1 फुट ऊंचा है। यहाँ आने वाले लोग जाटा बाबा के मंदिर में ही बच्चों का मुंडन कराते हैं। मनोकामना सिक्का लेने की भी एक अलग परंपरा है यहाँ पर, जो कि मनोकामना सिक्का ले जाते हैं और मन्नत पूरी होने पर लौटा भी देते हैं। यहाँ छठ व्रत करने वाले लोग मनोकामना सिक्का लेकर जाते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद छठ व्रत करने के साथ ही सिक्का वापस लौटा देते हैं। भगवान के मंदिर में सिद्ध किए गए सिक्के को लोग अपनी मन्नत रूपी प्रसाद समझ ले जाते हैं और इसे वापस करने लगते हैं मन्नत पूरी होने के बाद। तो आइए मंदिर कमेटी और ग्रामीणों की बातों को सुनते हैं कि उनका इस भव्य और ऐतिहासिक मंदिर को लेकर क्या कहना है। प्रसिद्ध बिलाऊर मंदिर का क्या इतिहास है, इसके बारे में मंदिर के स्थापना के समय पूरे गांव के सहयोग से संत मौनी बाबा ने पूरे गांव के सहयोग से मंदिर की स्थापना 1946 अब संबत हमको ध्यान में नहीं है 1946 ईस्वी में करवाया था, आज़ादी से पहले।
मैं पूरे गांव का सहयोग था, पूरा पंचायत का। और ये मूर्ति राजस्थान से ले आकर मंदिर की स्थापना उन्होंने किया था। संस्थापक वही हमारे से वही है मोहनी बाबू। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं छठ पूजा के दौरान? छठ पूजा के लिए जो भी माने दूसरे दूसरे राज्य से भी आते हैं, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, पूरे बिहार के लोग आता है यहाँ पर। जो दूसरे स्टेट में, दूसरे देश में भी रहते हैं बिहार के, पिछले साल अमहारा के जो अमेरिका में रहते हैं डॉक्टर परिवार के, वो भी लोग आकर यहाँ पर वर्त किया था। तो क्या कार्तिक के छठ में सिर्फ भीड़ होती है या चैती छठ में भी यही स्थिति होती है? कार्तिक छठ में माने कम से कम तिगुना भीड़ होता है, दोनों छठ के मौके पर, दोनों छठ के मौके पर भीड़ होती है। तो पोखरा का निर्माण भी पहले से ही कराया गया है जो मौनी बाबा के द्वारा? हाँ, पोखरा का निर्माण वो पहले हो गया था, मूर्ति स्थापना के पहले पोखरा का निर्माण हुआ था तालाब का। मंदिर कमेटी द्वारा और क्या क्या कार्य किए जाते हैं यहाँ, शादी ब्याह वगैरह? मंदिर कमेटी द्वारा माने शादी के लिए सबको ये थी है कि अपन लोग गरीब जो है घर पर शादी नहीं करने में समर्थ है, उनके लिए रूम की व्यवस्था दिया जाता है, रहने के लिए व्यवस्था दिया जाता है। गरीब लोगों को पैसा से भी हम मदद कर, हम लोग ट्रस्ट के मेंबर लोग मदद करते हैं, तो मंदिर ट्रस्ट मदद करता है। तो जो लोग शादी ब्याह या मतलब देखा देखी इस तरह की कार्यक्रमों के लिए यहाँ पर, तो उनके लिए क्या कोई राशि रखी गई है कि नहीं? हाँ, रूम के लिए राशि रखी गई है, थोड़ा गंदा उसको सफाई करने के लिए हम लोग सफाई कर्मी रखते हैं, उसको देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, वो राशि रखी गई। एक साल में लगभग कितनी शादी है यहाँ पर? करीब 250, करीब 250। हाँ, 250 300 तक भी। मंदिर कमेटी का पूरा सहयोग रहता है? हाँ, मंदिर कमेटी का पूरा सहयोग रहता है। यहाँ दान सहयोग करने वाले में गांव के ही रहते हैं या पूरे जिले से लोग? जो भी आता है छठ पूजा में, छठ पूजा में यहाँ तो एक तो मन्नत का प्रथा है, जो भी लोग मन्नत मांग कर जाते हैं भगवान उनको पूरा करते हैं, या नौकरी परवरिश का हो या पुत्र के लिए कोई मन्नत मांगे, यहाँ तक कि मनोकामना लोग सिक्का ले जाता है। मनोकामना सिक्का का महत्व बहुत है, जिसको मन्नत पूरा हो जाता है वो अपना चांदी का सिक्का, सोने का कुछ चढ़ावा होता है, सब लोग माने वो फिर मन्नत पूरा होने पर वो जमा लोग कर देता है। मतलब आम दिनों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी? हाँ, आम दिनों में पूरे साल श्रद्धालु की भीड़ लगी रहती है। क्या नाम है सर? शिव मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महदेश्वर शर्मा। बिलाऊर का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है, लोगों के मन्नतें पूरी करने वाला मंदिर है, कितना सच्चाई है इसमें ये बताइए, और कितना महत्व रखता है बिलाऊर का सूर्य मंदिर? सूर्य मंदिर बिलाऊर का बहुत बड़ा महत्व रखता है, यहाँ पर सब सच्चाई है, कोई यहाँ पर झूठा नहीं है कि साधु तंत्र लगाई जड़ी ले जाइए और खिला दीजिए। यहाँ जो अपने स्वेच्छा से और मन्नत सिक्का है उसको बांटा जाता है, वो कौन तो मन्नत सिक्का, जैसे आप मन्नत मांगे हैं कि हमारा ये होगा तो हम चानी ठुकवाएंगे, उसी को हम लोग लौटाते हैं। यानी सिक्का आप लोग मंदिर कमेटी की ओर से देते हैं? हाँ, मंदिर जो चढ़ा हुआ है, जैसे आपका मन्नत हुआ कि मेरा लड़का को नौकरी लगेगा तो हम 10 को सिक्का ठुकवाएंगे, उस सिक्का को हमारे कमेटी ने कबाड़ करके किसी का मन्नत मांगा होगा, खुशी है मतलब कोई कुछ करेगा तो उसी को हम लोग फिर यहाँ पर बाबा के सांझ को। कितना सिक्का आप लोग बांटते हैं? लगभग करीब 1000 से 2000 सिक्का है। 1000 बांटते हैं, कितना रिटर्न होता है? 500-600 हर एक साल रिटर्न आता है। लोगों का मनोकामना? हाँ, माने ये नहीं कि एक साल ले गए और अगला साल, माने 2-4 साल इंतजार करने के बाद रेशियो लौटने का ज्यादा हो रहा है और लेने का भी ज्यादा हो रहा है, और उसी के हिसाब से कुछ लोग दान भी देते हैं कि मेरा ये पूरा हो गया, मैं 5000 दे रहा हूं, जितना भी पैसा है। आज इनका यही देन है कि इसमें से जो कोई 1 रुपया खाया है उसका विनाश हो गया है। बाबा साक्षात देवता है, जैसे कोई माटी का मूर्ति है तो वो नहीं है, सूरज भगवान साक्षात देवता है। हर एक सब लोग सुबह में उगते हुए सूर्य को, यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है छठ के दिन।
यही इनका विशेषता है, महत्व रखता है बिलावर। हाँ, बिलावर का मंदिर बिहार में फर्स्ट स्थान है, देव से भी लोग आते हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए। यहाँ बिहार से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, सभी जगह के लोग आते, माने वो हम लोग का बिहारी जहाँ भी है बाहर, हाँ मनोकामना पूर्ण होता है जी। जैसे कोई बिहारी गया कि बिलावर का सूर्य मंदिर है, वहाँ पर मन्नत माने, तो वहाँ से लोग आएंगे। एक में गुजरात के आई थी दो औरत, तीन दिन रह गई कि हमारा लड़का नहीं होता, कोई भाग दी, उसका लड़का हुआ, विधिवत आया और छठ किया, और आज वो 11 साल लगातार आई थी। अपना नाम बता दीजिए। अनिल कुमार द्विवेदी, कमिटी सदस्य। खासियत है बिलावर सूर्य मंदिर का बताया जाए? ये यहाँ खासियत ये है कि श्री मुन्नी बाबा ट्रस्ट का जो ये मंदिर है, ये प्राचीन काल से यहाँ पे लोग आके अपना मनोकामना के लिए अपना भाड़ा मांगते हैं, मतलब कि मेरा नौकरी हो जाएगा, मेरा बच्चे का, हाँ मन्नत पूर्ण होता है। हजार लोग आते हैं, पूरे देश 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 विदेश से हम लोग देखते हैं हर साल। तो हम लोग मैनेजमेंट में यहाँ रहते हैं तो देखते हैं कि लाखों लाख की संख्या में बाहरी लोग विदेश से, झारखंड से, मतलब लोग आते हैं। तो हम लोग देश के तो अन्य राज्य से लोग आते हैं, हाँ झारखंड सारे सारा पूरे इंडिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और उनका मन्नत पूर्ण होने का भगवान का मनोकामना शक्ति है। ये अपने आप में पूरे कितना सहयोग रहा, ग्रामीण ग्रामीण का सहयोग यही है कि मतलब जो भी है, जो भी यहाँ के निवासी हैं, एक तरह से सब लोग का सहयोग रहता है। और जो भी बाहरी गेस्ट आते हैं उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था, हर घर में उनका स्वागत है, दरवाजा खुला रहता है कि हाँ ये व्यवस्था यहाँ रहता है। कोई हो, देव शर्मा नाम हुआ मेरा। मंदिर की खासियत बहुत ज्यादा लोग बता रहे हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है बिलावर का सूर्य मंदिर। किस तरीके का यहाँ पर आप लोग कमेटी तरफ से व्यवस्था करते हैं, मंदिर की खासियत कुछ बताएं जो कि ऐसा हुआ हो चमत्कार? चमत्कार तो यहाँ बहुत हुआ है, जैसे आज हम भी लोग अभी जो हैं बाबा भास्कर के दरबार सेवा में लगे हैं हम लोग, लेकिन आज तक हम लोग कुछ चीज़ का कमी नहीं हुआ है, चाहे हम लोग का महसूस नहीं हुआ है कि कुछ कमी हम लोग का हो रहा है। नहीं तो इतना बड़ा मेला संभालना बस की बात नहीं है। प्रशासन से हम लोग को कोई उतना बड़ा सहयोग नहीं मिलता है, प्रशासन आता है हम लोग के यहाँ, उच्च स्तरीय प्रशासन रहता है, लेकिन जो प्रशासन इसलिए यहाँ पे वीडियो से आते हैं कि डीएम साहब का फोन ना आ जाए, एसपी साहब का फोन ना आ जाए, और उनका भी रहने खाने का व्यवस्था हमें लोग करना पड़ता है। फिर भी हम लोग कोई, लेकिन हमारे जो गाँव के वॉलंटियर हैं, गाँव का जो पूरा गाँव का सहयोग मिलता है, उस सहयोग से आज तक हम लोग मेला में अभी तक कोई अनहोनी नहीं हुआ। जा सकता है कि बिलावर का जो सूर्य मंदिर है मनोकामना पूर्ण करने वाला ये मंदिर है। ये मंदिर आज का नहीं है, 1506 संवत से मंदिर है, राजा बावन सुगोबा जी का मंदिर बना हुआ है, और उस वक्त 52 गंडा पोखरा बना हुआ था राजा जो थे, उस पोखरा में से एक पोखरा है, वो भी एक मंदिर बनवाए थे अपने लड़की के लिए। ठीक, नाम बता दीजिए। मिंटू चौधरी।